ऑल राइट गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे हगिंग फेस को एंड देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से एक्सेस टोकन क्रिएट करते हैं हगिंग फेस का एंड कैसे इमेजेस को जनरेट करते हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन। सो गाइस, सबसे पहले विजिट करना है आपको huggingface.co, ठीक है? ये वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है हगिंग फेस का। यहाँ पर क्या होता है, काफी सारे मॉडल्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप अपना AI बेस्ड काम कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वीडियो एंड काफी सारे मॉडल्स जो आपको मिल जाएंगे आप इस पर एक्सप्लोर कर सकते हो। काफी सारे मॉडल्स फ्री भी हैं और काफी सारे आपको पेड भी मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्ट का ऐप क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली मैं यूज करूंगा वीट, सो सिंपल मैं सेम टाइप करूंगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। सिंपल आपको आना है एंड लिखना है npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट डॉट एंड आपको टेम्पलेट यूज करना है। मैं यूज करूंगा रिएक्ट टीएस का विद रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट। सो बस इतना सा आपको कमांड लिखना है, विच इज npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट डॉट लगाना है, जिससे आपका टारगेट फोल्डर ये बन जाएगा। देन आपको टेम्पलेट चूज करना है जो आपको टेम्पलेट में वर्क करना है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट। इसके बाद आपको npm करना है, जिससे आपका ऐप की जो डिपेंडेंसीज हैं, जिसके बेस पे आपका ऐप चलेगा, वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, जैसे कि रिएक्ट हो गया, वो सारी सारी इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ अपने VS कोड में एंड सबसे पहले क्या करते हैं, अपना हगिंग फेस का अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर यूज करूंगा फेक क्रेडेंशियल का, क्योंकि हमें बार बार कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से मेरा एक अकाउंट लॉग इन है, मैं इसको पहले लॉग आउट करता हूँ। सिंपल मैंने किया साइन आउट। सबसे पहले हम चलते हैं एक फेक क्रेडेंशियल के लिए फेक ईमेल पे। तो हम यूज करेंगे यॉकमेल का। यॉकमेल क्या है, यॉकमेल एक टेम्पररी मेल होते हैं जो आपको मिल जाते हैं काफी सारे यूज केस के लिए। आप इस पे अपना टेस्टिंग बेस काम कर सकते हो। ये क्या होते हैं, डिस्पोजल ईमेल होते हैं, इनका यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ अपना खुद का। तो मैंने ले लिया कृष्णा नाम से, ठीक है, कृष्णा ओनली, सिंपल सा। और इसको आपको सर्च करना है और आपको मिल जाएगा कृष्णा एट द रेट यॉकमेल डॉट कॉम। काफी सारे जो यूजर्स होते हैं जो इसको विजिट करते हैं या फिर इस पर एक्सप्लोर करते हैं, वो इसका काम करते हैं अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए डेवलप करते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जितने भी ईमेल्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ऑफ नो नीड, ये मैं डिलीट कर दी। अभी पूरा का पूरा जीरो हो चुका है, जीरो बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले इस ईमेल को मैं कॉपी करूंगा, विच इज कृष्णा एट द रेट यॉकमेल डॉट कॉम। कॉपी करते हैं, चलते हैं यहाँ पर हगिंग फेस पे। आपको करना है साइन अप, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करोगे अगर आपने नहीं किया। सबसे पहले ईमेल डालना है आपको, तो ईमेल डाल देते हैं, पेस्ट किया हमने। पासवर्ड डाल दें, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो। तो लेट्स से मैं डाल देता हूँ, क्या डाले बताओ, मैं डालता हूँ कृष्णा ARISHNA एट द रेट और डालते हैं यो और 123। ये काफी बड़ा पासवर्ड हो गया, तो एक काम करते हैं इसको हम पहले अपने यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ कृष्णा एट द रेट यॉकमेल 123। तो ये पासवर्ड हो गया, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस पासवर्ड को सेव कर लूंगा, तो मैं यहाँ पर अलग टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ, काफी यूज केस आएगा। एक यूजर नेम आपको सर्च करना है जो आपका एग्जिस्ट ना हो पहले तो हगिंग फेस के पास, और थोड़ा सा यूनिक हो। तो यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं, सर्च क्या करना, डाल जाता हूँ कृष्णा डेटाबेस। ये यूनिक है बिकॉज ऑफ मैंने क्या रैंडम सोचा है, डेटाबेस से डेटा सेट से मैंने डेटा सेट ले लिया। और एक नेम लेके आते हैं, तो मैं नेम लेता हूँ कृष्णा, नेम कुछ भी होता है डजंट मैटर। इसके बाद अवतार, चाहो तो आप अपना अपलोड कर सकते हो या फिर आप जनरेट कर सकते हो प्रॉम्प्ट के थ्रू। अब देखते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं। अपलोड के लिए है, सबसे पहले क्लिक करना है, जो भी आपके पास इमेज है जो आपके लोकल कंप्यूटर में पड़ा हुआ उसको आप डाल सकते हो, लेकिन मैं जनरेट करना चाहता हूँ। तो सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है कि आपको किस तरीके का अवतार चाहिए। तो मैं सिंपल लिखता हूँ अपीयर विद अ फोल्डर, ठीक। सो आई रैम मैं कुछ रैंडम लिख दिया, अब देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले तो इसका मैं ग्रामर ठीक करता हूँ, लिख दिया अपीयर विद अ कोल्ड, ठीक है, इस तरीके से। देन सी किस तरीके से इमेज जनरेट करता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो मिल चुका है हमें, लेकिन काफी ऑड मिला है। कोई नहीं, हम इसको लिख दें सेवन अवतार, ठीक है। तो ये हमारी अवतार जनरेट हो चुका है। आपका ट्विटर यूजर नेम, गिटहब यूजर नेम, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये आप डाल सकते हो बिकॉज इसकी जरूरत है नहीं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको चेक कर लेना मस्ट है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास एक कंफर्मेशन मेल गया है, सो जाते हैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो सी अभी दिस इज एन एम्प्टी बॉक्स दिखा रहा है,
रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक हगिंग फेस का हमें एक मेल आ चुका है, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ हम रियल में ह्यूमन है जो इसको यूज कर रहे हैं। तो हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। एक बार रिफ्रेश करना है आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है या फिर दोबारा से इसको टैब को रिफ्रेश कर दो, वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एप्लीकेशन चलने के लिए। अब यहाँ पर जो आपको बाई डिफॉल्ट जो कमांड दी होंगी पाइथन में दी होंगी, गिटहब की क्लोन रिपोजिटरी दी होंगी, तो एक काम करते हैं हम इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। हम आते हैं अपने पहले तो अपनी डॉक्स पे, ठीक है। डॉक्स पे आना है आपको, डॉक्स पे आने के बाद आपको मिल जाएगा काफी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, तो हम कोई भी एक मॉडल चूज कर लेंगे या फिर हम क्या चूज करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू इमेज, बिकॉज हमें इमेज जनरेट करना, तो हमें मिल जाएगा एपीआई रेफरेंस से। सो चलते हैं इसके पास, देखो ये मिल रहा है हमें पाइथन से, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट चूज करते हैं ये वाला, ठीक है। सो हम इस कोड को कॉपी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हमें इसके लिए एक मस्ट चीज है विच इज एक टोकन, जो हगिंग फेस का टोकन होगा, जैसे आपका JWT टोकन होता है ऐसे एक टोकन होगा। सबसे पहले जो अपने एप्लेट किया पहले उसको रन करते हैं और थोड़ा सा उसमें लुक देते हैं, एक छोटी स्टाइलिंग करते हैं यूजिंग टेलमेंट, तो मैं टेलमेंट इंस्टॉल कर लूंगा। इसके लिए हम चलते हैं टेलमेंट पे और वेट पर। बाकी आपको बता दूं जो पासवर्ड मैंने सेव किया है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगा और मैं इसको अपने जो रीडमी फाइल होती है उसमें पेस्ट कर दूंगा टेम्पररी, कोई जरूरत नहीं है। देखो मेरा ना तो एक पर्सनल ईमेल है कि मैं इसको यूज करूंगा तो कुछ हो जाएगा, आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। अगेन मैं अगेन आता हूँ उस पर और मैं टेलमेंट जो है इंस्टॉल करते हैं। सो सिंपली कॉपी किया, सिंपल पेस्ट किया, इससे क्या हुआ जो टेलमेंट CSS पोस्ट CSS एंड ऑटो फिक्सर जो है वो हमारी टैब डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा। अगेन हम क्या करते हैं यहाँ पर जो टेलमेंट की फाइल होती है जिसको हमें एडिट करना होता है वो हम इंस्टॉल कर लेंगे, उसको इनिट कर लेंगे। इनिट से क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे इंस्टॉल हो रही डिपेंडेंसी, जिसमें हमारी तीन डिपेंडेंसी ये इंस्टॉल हो चुकी है, और अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो पैकेट डॉट जिसमें होती है उसमें भी अपडेट हो जाएंगी आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसे हमने इंस्टॉल किया। तो अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको टैब डिपेंडेंसी में टेलमेंट पोस्ट CSS एंड आपका ऑटो फिक्सर, ठीक है। अगेन सो पेस्ट करते हैं इसको, npx tailwind css init minus p, ठीक है। बिकॉज इसमें दो फाइल जनरेट होती है, एक tailwind डॉट कॉन्फिग डॉट js और एक होती है पोस्ट css डॉट कॉन्फिग डॉट js, ठीक है। अभी जो जनरेट हुई है इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा चेंजेस करना है, तो हम कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं अपने इस पर। सो पेस्ट किया हमने, अगेन चलते हैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट css को कॉपी करूंगा मैं, और अपने जो यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस इससे रिप्लेस कर दूंगा। हम बेसिक स्टाइलिंग करेंगे, कोई ज़्यादा हाई फाई स्टाइलिंग नहीं कर रहे, बिकॉज हमें एक इमेज जनरेट करना है AI के थ्रू। हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उस प्रॉम्प्ट से हमारी इमेज जनरेट होनी चाहिए विद इन अ केस। सो लेट्स ट्राई। सो हमारा सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली। ऐप डॉट TSS में आऊंगा, यहाँ से प्रोफाइल चूज कर लूंगा मैं जिससे हमें सेशन मिल सके, तो मैं इस बार लेता हूँ नोड JS, बिकॉज इसके अंदर मेरे काफ़ी सारे एक्सटेंशन है, थीम्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे एक क्रिएटिव बनाने में मदद करेगी अपने एप्लीकेशन को। सो सिंपल REFC गेट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। सो अगेन छोटी स्टाइलिंग करते हैं, एक हेडर लेके आते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स फोल्डर का। सो कंपोनेंट्स जिसके अंदर मैं लेता हूँ पहला हेडर। हेडर से क्या हुआ, हेडर से हम छोटा सा एक हेडर क्रिएट करने वाले बेसिक सा। सो हेडर डॉट TSX अगेन, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो रही है। REFC गेट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हमारा हेडर एक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट करके सिंपल क्या आपको नेम लिखना है यहाँ पर, और इसको इंपोर्ट करना है जिस भी डायरेक्टरी के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है। सो अगेन मैं स्टेप को रन करता हूँ लोकल होस्ट 5173 में, तो सी हमारा एक हेडर आ रहा है जो इसमें हेडर लिखा हुआ है, और एक अपना ऐप आएगा जिसमें हमारा एप्लीकेशन जो मेन से चल रहा है, ठीक है, हेडर आ चुका है। सो अगेन मैं इसमें से रीड उठाता हूँ और यहाँ से भी रीड, बिकॉज ऑफ रीड ये हमारा अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं टेल ब्लॉक्स पर, और यहाँ से हम कुछ कंपोनेंट्स कॉपी करते हैं, जैसे कि हेडर हो गया। तो इस हेडर को थोड़ा यूनिक दिखाने के लिए हम हेडर के ही पास चलते हैं, या फिर हम देखते हैं नेपर इंटेलमेंट CSS, बस ये लिखना है आपको। यहाँ पर मिल जाएगा काफी सारे नेबर्स मिल जाएंगे, तो हम कोई भी एक चूज करते हैं और उसका यूज करते हैं एज अ स्टैटिक UI। सो बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ materialtailwind.com का। बाकी बता दूँ आपको ये कोई भी स्टाइलिंग का वीडियो नहीं है। सो मैं पेस्ट करता हूँ इसको और इसको चेंज करते हैं अपने JSX में, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एक्स करना है
अच्छा, एक्स से क्या हुआ, बेसिकली मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है HTML2JSX, जिससे मेरा जो भी HTML कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है JSX में। तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना, वो कुछ इस तरीके दिखता है ये वाला, तो आपको इंस्टॉल लेना है, काफ़ी अच्छा ऐप है, इसको देख सकते हो। सो हमने ये किया, तो बेसिकली हमारा ये आ चुका है नेवबार। काफ़ी लग रहा है कि भाई ज़्यादा हो गया, सो एक काम करो इसको हटा दो और ये हमारा फुल पे आ जाएगा इस तरीके से। इसमें पैडिंग काफ़ी सारी दी हुई है, मार्जिन पैडिंग। सो एम्प्टी जो है, एम्प्टी को रिमूव करते हैं यहाँ से और ये हमारा ऊपर आ जाएगा। और इसको हम इसमें रखते हैं AI इमेज जनरेटर, सेव किया और ये हमारा आ चुका है। अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे मेन्यूज हैं जिनका कोई काम नहीं है, तो इनको हम अभी एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो हम देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने जो ऐप है इसके अंदर UI क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारे इनपुट बॉक्स होगा बेसिकली बीच में। सो मैं टेम्प क्रिएट करूंगा जिसका PY24 होगा और W को फुल करेंगे, ठीक है। फुल कर लिया, फ्लेक्स कर लिया, आइटम्स को सेंटर कर लिया, जस्टिफाई कंटेंट कर लिया और फ्लेक्स को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एक इनपुट लेते हैं, इनपुट और जिसको हम W हाफ देते हैं, ये दे दिया मैंने हाफ। और इसको मैंने बोला कि MX42 हो जाओगे, BG को हम रेड कर लेते हैं एज अ डीबग स्टाइलिंग, और PY को 4, PX को 3। अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से शो अप हो रहा है, विच इज लुकिंग गुड। सो आउटलाइन को नल कर लेंगे और बॉर्डर को नन कर देंगे, बॉर्डर नन, और रिंग को हम 2 कर लेंगे और रिंग को हम ब्लू में इतना कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से राउंडेड एमडी कर लेंगे इसको, या फिर एक काम करते हैं, रिंग को हम ब्लैक करते हैं, राउंडेड एमडी, और बीजी को हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज बीजी का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सो ये हमारा हो चुका है। अगेन कूल, हम क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है जिस पर क्लिक करने पर हम अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट कर सकें। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पूरे को W फुल के अंदर लिखते हैं और इस तरीके से करते हैं, ठीक है। MX42 कर लेंगे इसको, जिससे जो भी होगा वो अपना काम करेगा। आइटम सेंटर कर दिया हमने, विच इज लुकिंग सो गुड, और MX42 इसको भी फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस फ्लेक्स वाली जो क्लासेस है इनको हम यहाँ से हम रिमूव करके यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ से फ्लेक्स कॉल को रिमूव कर देंगे बस, इससे हमारे बीच में आ जाएगा। अगेन यहाँ पर हम एक बटन लेते हैं, बटन में बोलेंगे जनरेट, सेव किया, तो ये बटन आ चुका है, लेकिन काफ़ी दूर आ रहा है बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, बट चेक करते हैं। इसके लिए हम क्लास नेम लगाएंगे, तो क्लास नेम हो जाएगा BG रेड 500, अगर BG ब्लैक करते हैं बिकॉज ऑफ UI हमारा थोड़ा सा डैशिंग दिखेगा, तो डैशिंग ही बनेगा, डोंट वरी। सो अगेन मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, अब ये थोड़ा सा गुड़ दिखेगा और इसको हम W फुल करते हैं, अगेन दिस वन गुड, और इसमें हम जो W हाफ दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस तरीके से, और PX को 4 कर लेते हैं, PY को 2 कर लेते हैं और राउंडेड को MD कर लेते हैं इस तरीके से। एंड ज़्यादा हो गया तो एक काम करते हैं, जो क्लासेस हमने इसके लिए लगाई थी PY और PX वाली, वही हम सेम इसके लगा देंगे इसके बराबर, इसको ला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा वो वाइट हो जाएगा, तो ये हमारा हो चुका है वाइट। अगेन राउंडेड एमडी क्या हुआ है, राउंडेड एमडी सही है, इट्स लुकिंग गुड। अब यहाँ पर एक प्लेस होल्डर ऐड करते हैं, बोलते हैं एंटर सम प्रॉम्प्ट, राइट सम प्रॉम्प्ट, ओके प्रॉम्प्ट, स्पेलिंग में तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, राइट ब्रेड। तो मैं कोई प्रॉम्प्ट लिखूंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुका है, ठीक है। ये तो हो जाएगा हमारा काम। इसके बाद एक स्टेट होगा हमारे पास जिसको हम लोडिंग और सेट लोडिंग स्टेट बोलेंगे। अभी चेक करते हैं कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले तो हम इन वैल्यूज को गेट करते हैं, तो कॉन स्टेट और सेट स्टेट, जिसमें यू स्टेट ले लेंगे हम, जिसमें हमारी स्टेट होगी, जिसमें हम इनपुट लेंगे, इनपुट जो भी होगा वो इसमें हो जाएगा। तो सेट इनपुट करते हैं, इसमें क्या हुआ, जो भी हमारा ऑन चेंज हैंडलर जो हम यूज करने वाले हैं उसके लिए एक ई आएगा, जिसको हम अभी के लिए एनी देते हैं, जिसको सेट चेंज पे जो सेट स्टेट है उसमें हम बोल देंगे, जो भी हमारे पास स्टेट वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं वो तो हमारी रहेंगी रहेंगी, जो हमारे पास स्टेट वैल्यूज हैं वो तो हैं। उसके अलावा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी नेम होगा उसके हिसाब से ई डॉट टारगेट डॉट नेम को हम चेंज कर देंगे,
ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर यूज करना है एक नेम प्रॉपर्टी का जिसमें हम इनपुट देंगे, और हमें एक वैल्यू यूज करना है जिसमें हम स्टेट डॉट इनपुट दे देंगे, और एक देंगे ऑन चेन जिसमें हम एक ई ले लेंगे, या फिर इसको रिमूव करके जो हमारा ऑन चेन हैंडलर है बस उसको पास कर देंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। इस डिप को चेंज कर देंगे फॉर्म के अंदर, काम वही करेगा, अलग कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें सबमिट हैंडलर हमें लगाना है, तो पोस्ट ऑन सबमिट हैंडलर इक्वल्स टू ई, ई का मतलब क्या आएगा, ई का हम देते हैं अभी के लिए एन, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये हो गया हमारा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। कॉपी करते हैं इसको, बेसिकली हमें क्या करना है फॉर्म को लगाना है, तो ऑन सबमिट ये हमने पेस्ट कर दिया। इसका अगर टैब देखना है आपको, टैब देख सकते हो, इसका टैब है एचटीएमएल फॉर्म या फिर आपका फॉर्म इवेंट हैंडलर, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने ये कर दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फॉर्म कैन नॉट फाइंड नेम, तो अगेन मैं एक बार चेक करता हूँ, सो ऐसा क्या बोल रहा है, तो हमें क्या करना है बस इसको पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सो अगेन अब क्या करना है मेरे को, ये वैल्यूज जो है अपने हगिंग फेस की एपीआई जो टेक्स्ट टू इमेज है उसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना है। भाई हमने इनपुट तो ले लिया, अब उस इनपुट को हमें क्या करना है, फैच करना है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हमें वर्किंग करनी है। सब देते हैं इसको, सबसे पहले क्या करना है हमें एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास एक फैच एक रिक्वेस्ट जाएगी, जिसमें हमारे पास हेडर्स होगा, कॉन्टेंट टाइप होगा, मेथड होगा, बॉडी होगी, मतलब काफी सारी चीजें। तो एक काम करते हैं इसके लिए, हम इसको आसान करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सियोस का। एक्सियोस क्या है, एक्सियोस बेसिकली एक एपीआई कॉलिंग लाइब्रेरी है जिससे हम अलग अलग तरीके एपीआई कॉल करते हैं, चाहे वो गैट हो, पोस्ट हो, पुट हो, बैच हो, कुछ भी। सो एनपीएम एक्सियोस, इसके पास हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उससे पहले हम ट्राई कैच खेलते हैं, ट्राई कैच से क्या होगा, जो भी हमारी एक्सेप्शन होंगी उनको हम हैंडल कर पाएंगे, जो भी हमारे मैसेज आने वाले हैं या फिर कोई भी दिक्कत होगी उस केस को हम वहीं वहीं टैगल आउट कर लेंगे, ठीक है। अगेन इसके बाद हमें करना है एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया भाई, देन अवेट करना है किसका, हगिंग फेस का, तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना पहले, तो इम्पोर्ट करते हैं एक्सेस को, ये हो गया इम्पोर्ट, कॉपी किया पेस्ट किया। अच्छा जब हमने अवेट लगाया तो ऊपर एसिंक करना बहुत ही जरूरी है, गेट कर लेंगे बिकॉज इसमें जो मेथड है वो पोस्ट है, तो पोस्ट कर लेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट, जिसमें हमें पहले तो अपना यूआरएल पास करना है कि हमें जो पोस्ट करना है वो कहाँ पर करना है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है https api interface hugging face डॉट को, ये तो क्या है अपना बेसिकली पोर्ट हो गया, पोर्ट नहीं यूआरएल हो गया जहाँ पे हमें ये काम करना है। इसके अंदर मॉडल दिया होगा, आपने ये मॉडल चूज किया है ब्लैक फॉरेस्ट लैब जिसके अंदर फ्लक्स डॉट वन टैब ये आपने चूज किया है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें करना है डेटा पास करना है, डेटा क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, स्टेट क्या एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने इनपुट पास किया है, तो आपको एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें इनपुट्स नाम से फील्ड जाएगी। सो बेसिकली हम भी कर लेते हैं इस काम को, तो हमें क्या करना है इनपुट्स पास करना है जिसमें हम पास कर देंगे स्टेट डॉट इनपुट। इसके बाद आपको कुछ हेडर्स सेंड करने, तो वो हम क्या करेंगे तीसरे पैरामीटर में पास कर देंगे एज अ हेडर, ठीक है। हेडर में क्या होगा ऑथराइजेशन, ये आपको पास करना है ऑथराइजेशन, जिसमें हम पास करेंगे बीयरर जो क्या होता है बेसिकली टोकन के लिए होता है, तो इसको क्रिएट कर दें। बेसिकली अगर आपको इस सिंबल पर क्लिक करना है जो आपको मिल जाएगा प्रोफाइल बटन, इस पर क्लिक करना है, आपको मिलेगा यहाँ पर सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को, लेकिन आपको सिंपल आना है एक्सेस टोकन पे, ठीक है। सो इस पे आना है, इसके मिलेगा यू हैव नो एक्सेस टोकन, अगर मिलता है तो, नहीं तो आपको सिंपल इस पे क्या करना है क्रिएट न्यू टोकन पर क्लिक करना है। अगेन आपको पूछेगा भाई क्या करना है, रीड राइट मतलब कुछ भी जो आपका मन पसंद है, तो मैं टोकन नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कृष्णा, या फिर टेस्ट लिखता है कि अभी टेस्टिंग बेस पे काम कर रहे हैं हम इस वजह से। इसके बाद आपकी परमिशन क्या क्या होंगी, बैबॉक्स डिस्कस पोस्ट बिलिंग कलेक्शन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, तो हमें तो भाई ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपनी APIs को एक्सेस कर सकें। तो भाई उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें अपनी API को, तो यहाँ पर क्या हमें इंटरफेस APIs को कॉल करना है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेक कॉल टू सर्वरलेस इंटरफेस API, आपको ये चेक कर देना है, मेक कॉल टू इंटरफेस एंडपॉइंट्स ये चेक करना है, मैनेज इंटरफेस एंडपॉइंट्स तो ये भी चेक करना है, बस आपको ये तीन चीजें आपको चेक करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है।
अब हाँ, अगर आप बस और आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, आपने कुछ और क्रिएट किया, तो आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन आपको इतना ही करना है, बहुत है। और आपको क्रिएट टोकन पे क्लिक कर देना है और आपका टोकन मिल जाएगा। कॉपी करते हैं इसको और चलते हैं अपने इस पे और इसको पेस्ट करते हैं। अभी देखो, मेरा टोकन कोई भी प्राइवेट की नहीं है, कि मेरा कुछ बिलिंग गया है। तो वैसे बेसिकली मैंने जो अकाउंट भी क्रिएट किया वो भी फेक अकाउंट क्रिएट किया है, क्रेडेंशियल जो है वो भी फेक है। तो मेरा जो टोकन है वो ओरिजिनल है, अभी के लिए वैलिड है अभी तक। सेव करते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, अपने वीट पे चलते हैं, और वीट पे नहीं, पहले चलते हैं अपने ए पेस के जो डॉक्यूमेंटेशन था, जो अगेन आते हैं इसमें। सो ब्लैक फॉरेस्ट फ्लक्स में ये रहा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये हो गया मेथड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें जेसन डॉट रेस्पॉन्स डॉट ब्लॉक में लेना। सो देखते हैं पहले क्या आता है। सो कॉन्स डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ और मिल जाएगा क्या? नहीं, इसके अंदर कुछ और है, रेस्पॉन्स डॉट ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको मैं लॉक करता हूँ कि एक्चुअल में ये डेटा रिटर्न करके क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सब देखते हैं, इसको पहले मैं क्या करूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे एरर्स होंगे, लॉग्स होंगे, जो भी आएगा वो मेरा कंसोल के ऊपर ही आने वाला है। सो बेसिकली मैं जस्ट टाइप करूंगा कुछ भी, तो मैं लिखा, जो इनपुट लिखा आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा उसके अलावा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा भाई? सो एक बार चेक करते हैं। ओके, तो हमने नेम ही कर दिया भाई, नेम नहीं करना, वैल्यू करना है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो मैं लिखा अपीयर विद अ ट्रॉफी, जनरेट पे क्लिक किया। सो अगेन हमें चला नेटवर्क पे, क्योंकि इसने एक एपीआई कॉल किया फ्लेक्स का, सी देख सकते हो। तो यहाँ पर एक पे तो 200 आ चुका है, अगर हम इसका रेस्पॉन्स देखें कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पर अभी पेंडिंग चल रहा है रिक्वेस्ट। हमने दिया अपीयर विद अ ट्रॉफी, क्या स्पेलिंग गलत होगी क्या? नहीं, हम मालूम पड़ेगा, बिकॉज हमने पोस्ट रिक्वेस्ट कर दिया। इस तरह से लोडिंग स्टेट हमारी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने यूआई पे, एंड अगेन अब प्रॉम्प्ट लिखते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने यूआई को। सो मैंने कर दिया रिफ्रेश, और प्रॉम्प्ट लिखते हैं अपीयर विद अ ट्रॉफी, लिख दिया। जनरेट पर क्लिक करते हैं, लोडिंग स्टेट हमारी आ चुकी है। चलते हैं अपने नेटवर्क टैब में और चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट गई कि नहीं गई। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट तो गई है, फ्लक्स ने एक इमेज जनरेट कर दी है, अगर थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आया है अभी, उसको कन्वर्ट कर रहा है शायद वो। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारी इमेज भी आ जाएगी। अगेन चेक करते हैं कंसोल पर। सो कंसोल कुछ आया कि नहीं आया, तो लोडिंग स्टेट हमारी बंद हो चुकी है। और यहाँ पर कंसोल चेक करते हैं, कंसोल कुछ भी नहीं है। एंड नेटवर्क पर अगेन आते हैं, और देखो हमारी एक इमेज आ चुकी है Flux1 डेव नाम से। और कंसोल पे आते हैं, तो कंसोल पर कुछ हमारा बाइनरी डेटा आ चुका है, ऐसा रैंडमली, ठीक है। तो मतलब हमारा ये इमेज तो काम कर रहा है, इमेज जनरेट होकर आ रही है। अब इस इमेज को पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं अपने ब्लॉग यूआरएल में, जिसको हम सेशन बोलते हैं। मतलब कि एक छोटा सेशन क्रिएट कर देगा विंडो पर, जिससे हमारी इमेज जो दिख जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा हेडर है उसका के अलावा, जो हेडर होता है इसके अलावा एक होता है रेस्पॉन्स टाइप। इसमें हमें पास करना है कि हमें किस तरीके का रेस्पॉन्स चाहिए, जेसन में, एरे बफर में, डॉक्यूमेंट में, फॉर्म डेटा में, किस में। तो हमें चाहिए भाई ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक ब्लॉक यूआरएल। इससे बोलेंगे नो नॉट यू सब यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, जिसमें डेटा आ जाएगा। डेटा क्या आ रहा है, डेटा हमारा ब्लॉब आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सेट कर देंगे डेटा में। तो एक स्टेट लेते हैं, डेटा डेटा सेट डेटा यू स्टेट ऑफ डेटा, ठीक है। नॉट डेटा, सिंपल एक स्ट्रिंग हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, जो कि कुछ है नहीं उसमें। तो हम बोलेंगे भाई देखो, अगर हमारे पास इन एनी केस डेटा होता है, तब हमें एक इमेज रेंडर करनी है जिसका जो एस आर सी होगा वो डेटा होगा, और ऑल्ट क्या होगा, ऑल्ट इमेज हो जाएगी, इमेज, ठीक है, इमेज गेट इस तरीके से। और जो भी इमेज होगा, जिस तरीके की होगी, वो अपने आप सेट हो जाएगी। कुछ थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लेंगे, जिससे हमारी जो इमेज थोड़ी प्रिटी दिखेगी। तो क्लास नेम देते हैं कुछ, जिसमें एम एक्स फोटो और राउंडेड एम डी शैडो देते हैं कुछ, 2XL, ओके। और बस अपने रखते हैं, और पैटर्न देते हैं कुछ अच्छी सी, तो पैटर्न देते हैं या फिर बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 5 का या फिर 6 का, जिसमें बॉर्डर जो होगा वो वाइट होगा। सो पहले तो बॉर्डर दे दिया मैंने 3, 2, कुछ तो होगा, हाँ 2 तो है, लेकिन इसमें 4 का नहीं आ रहा है क्या? आ गया,
एंड बॉर्डर चौक व्हाइट का होगा, ठीक है, इस तरीके से एम एक्स को डब्ल्यू कर लेंगे, डब्ल्यू एल जी, इमेज हो गई सेट हमारी। अब इसको करना है जो ब्लॉब यूआरएल है उसको हम सेट डेटा में जो है उसको डाल देंगे, सेट डेटा में ब्लॉब यूआरएल को ये डाल दिया। अब इसके बाद क्या करना है, लोडिंग स्टेट हमारी हो चुकी है, इसको डिजाइन कर लेते हैं भाई। तो इसके लिए एम एक्सपोर्ट हो जाएगा, टैग सेंटर कर लेंगे इसको, और एक काम करते हैं इससे अच्छा हम पी में लेते हैं इसको, पी में, और इसको टैग सेंटर कर देंगे। डीजी को कुछ करें क्या, हाँ रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा अगली दिखा देंगे इसको, बिकॉज ऑफ अच्छी जगह तो बनाई रहे। तो इस तरीके से ये हमारा हो चुका है। अगेन अब चेक करते हैं कि हमने जो लिखा है, इतना बड़ा काम किया है, वो हमारा सक्सेसफुली काम करेगा कि नहीं करेगा। बाकी थोड़े क्लास टाइम चेंज करना चाहूंगा मैं, यहाँ पर डब्लू फुल कर लूंगा इसको इस तरीके से थोड़ा सा, नहीं तो 96% इज बेस्ट फॉर दिस, 96%, ठीक है, बीच में आ जाएगा। और गैप को देना चाहो तो 2 कर सकते हैं हम, गैप एक्स 2 इस तरीके से। अब लिखते हैं जैसे कि कपल, कपल्स COUPLS इन अ गार्डन, होल्ड विद कॉफी मग, ऐसा कुछ लिखा, मैं लोडिंग कर दिया। चेक करते हैं अपने नेटवर्क टैब में, और अब के जो लिखा है मैंने काफी क्रेजी लिखा है, मतलब कि थोड़ा कपल्स के बारे में लिखा है। सो देखते हैं कपल्स के बारे में क्या इसका माइंड सेट है, किस तरीके की इमेज ये जनरेट करता है। अभी हमने लिखा अब कॉफी वाला, जो हमारा बियर के संग दे दिया उसने, भालू के संग दे दिया। अब देखते हैं कपल्स के साथ ये किस तरीके का इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। बाकी अभी देखोगे तो अभी हमारी जो रिक्वेस्ट है फुलफिल नहीं हुई है, अभी बोलोगे कि ये क्यों नहीं हुई, ये हो गई क्योंकि ये हमारा कैश डेटा आ रहा है। अभी हमने इसको कई बार रिक्वेस्ट कर दिया, एक बार उसने कहकर जनरेट किया, देन हमें वो कैश में प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब क्या है, इसको फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करेगा, देन अगर हम उसको सेम रिक्वेस्ट सेम प्रॉम्प्ट देते तो क्या करेगा, उसको कैश में लेकर दे देगा। अभी देखते हैं तो कुछ भी नहीं आया, और हमें वेट करना पड़ेगा काफी सारा इसका, बिकॉज जब तक ये जनरेट करता है तब तक हम कुछ और नहीं एक्सप्लोर कर सकते। अगर इसको देखूँ तो रिक्वेस्ट एक रिफ्रेश करते हैं एक बार, और सेम चीज को मैं अगेन दूंगा, कपल्स इन अ गार्डन होल्ड विद कॉफी मग। सो अभी हमारी रिक्वेस्ट गई, अभी इसने देखते क्या करता है, अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। सो पेंडिंग रिक्वेस्ट, बाकी देखोगे तो यहाँ पर आपको एक मॉडल और मिलेगा। अगर आप देखो फ्लक्स, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत स्लो है, तो इसकी जगह एक मॉडल और प्रोवाइड किया इन्होंने, जिसका नाम है स्टेबिलिटी AI स्टेबल डिफ्यूजन 3 मीडियम डिफ यूजर। नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, और देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम ये जनरेट हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, कि हमने कुछ जनरेट किया जिसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट मिल रहा है। सो बेसिकली देखते हैं क्या होता है, स्पीड तो हमारी अच्छी आनी चाहिए। अगेन पेलोड प्रीव्यू कुछ भी नहीं आया अभी तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं मॉडल चेंज कर देते हैं। सो बेसिकली हमें ये मॉडल यूज करना है, तो स्टेबिलिटी कॉपी करते हैं इसको, और चलते हैं अपने इस कंसोल पे या फिर अपने कोड एडिटर पे, और जहां पर हम क्या करेंगे इस मॉडल को चेंज कर देंगे इससे, बस इतना ही करना है हमें। बाकी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, बिकॉज रिक्वेस्ट तो फुलफिल होनी नहीं है हमारी, अगर होनी होती तब तक हो जाती। सो अगेन क्लिक करते हैं तो देखो अब ये क्या है, अब इससे क्या करेगा, जनरेट करेगा इमेज को। अब देखते हैं ये कितना फास्ट है उससे, अभी हमने देखा कि कम से कम 1 मिनट का टाइम लगाया उसने, तभी वो जनरेट नहीं कर पाया। अब देखते हैं क्या 1 मिनट के अंदर ये इस इमेज को जो लिखा हुआ है, अ कपल इन अ गार्डन विद कॉफी मग, कुछ करता नहीं करता। हाँ भाई कर दिया इसने यार, कर दिया, और कितने में किया, 22 सेकंड में किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 22 सेकंड को कितना भी, लेकिन हमारा कर दिया, ये अच्छी बात रही। बाकी अभी क्या कर रहा है, लोडिंग स्टेट को कर रहा है, क्योंकि हमने जो ब्लॉग दिया है उसको कन्वर्ट कर रहा है अपने यूआरएल ऑब्जेक्ट में। नेटवर्क में आते हैं, अभी क्या कर रहा है उस इमेज को, ये आ चुका है भाई, लिटरली आ चुका है, थोड़ा अच्छा लगा। और देखो यहाँ पे जो यूआरएल आया वो किस तरीके से, वो इस तरीके से ब्लॉग लोकल होस्ट 5173 और कुछ रैंडम आईडी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप तुम इस पर थोड़ा सा अपना कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पर देखा हुआ कि इमेज तुम्हारी कुछ इस तरीके से, जो कि काफी लुकिंग गुड दिख रही है, ठीक है। एक कपल्स, दो कपल है जिसमें एक लड़की एक लड़का है, गार्डन में बैठे हुए हैं एंड कॉफी मग होल्ड किया हुआ है,
विच इज सो लिटरली कोड। एक काम करते हैं, एक और देखते हैं, प्रोग्रामर कुछ वर्किंग ऑन रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट या फिर वर्किंग ऑन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। लोडिंग किया लेकिन टाइम बहुत लग रहा है, ये देखना कि टाइम इसका लग ही रहा है। और नेटवर्क चलते हैं, नेटवर्क अब तो रिक्वेस्ट दिखेगी नहीं हमें, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम इसको पहले खोल देते कंसोल को और देन अपनी रिक्वेस्ट करते तो हमें दिखती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेंगे। तब तक ये लोड कर रहा है अपनी इमेज को, तो मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ एडिटिंग की मदद से। या इट्स वर्किंग, एक प्रोग्रामर आ चुका है, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट कोई नहीं दिख रही मेरे को, लेकिन हाँ एक प्रोग्रामर दिख रहा है जो वर्क कर रहा है एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे वो बिलिंग एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो सकती है। सो गाइस इस तरीके से तुम अपनी खुद की एआई जनरेटर क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक मॉडल यूज किया है स्टेबिलिटी एआई, तुम चाहो तो ब्लैक फॉरेस्ट को भी यूज कर सकते हो इसकी जगह, बात एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही तरह की इमेज जनरेट कर रहे हैं, बस इसमें लिखा हुआ है जो इमेज होती है वो थोड़ी अलग दिखती है, अच्छी दिखती है, ठीक है, बाकी सब सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। तुम कोई मॉडल ले लो उसको तुम जनरेट कर दो। अभी हमने एक्सप्लोर किया टेक्स्ट टू इमेज, आगे वीडियोस में हम अलग अलग मॉडल्स देखेंगे कैसे उसको जनरेट करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ सजेशन प्रोवाइड करना एंड मुझे मोटिवेट करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइज, थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।